शाहीन वन से। मिशन कंप्लीट हो गया है, हम बहरी जहाज पर वापस आ रहे हैं। कौन सा जहाज? वही जहाज जिसने अमरीकी बहरी पेड़ों को समंदर की तह में गहरी नींद सुला दिया। जबकि हम तो कुछ घंटों के लिए गायब हुए थे, फिर ऐसा क्या किया? कुछ भी नहीं, सिर्फ 113 अमरीकी बहरी पेड़ों में मछलियों को रिहाइश दे दी है। अच्छा ये बताओ, बीकर का ट्रस्ट इलाका कैसा है? खूबसूरत है, लेकिन लैंड करने की इजाजत तो दो भाई, हमारा लैंड करना जरूरी है। और अगर लैंड करने की इजाजत ना दूं तो? कुछ नहीं, तो कमांडर की कंट्रोल रूम पर उतर जाएंगे। अच्छा अगर कमांडर को तुम्हारे इरादों का मालूम हो जाए तो जानते हो ना क्या हशर होगा? आसमां कर देख लूं क्या? हाँ देख लो, अंजाम बुरा ही होगा। मैं उतर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, लैंडिंग की इजाजत देता हूँ तुम्हें। अरे मैं तो भूल ही गया, कमांडर को कुछ बताना था। ये लड़के बिना किसी को नहीं छोड़ते। ये एक तो बिल्कुल सही और सालिम है। दफा हमारे मिसाइलों ने सही टाइम पर टारगेट्स को हिट किया है। जिस ताकत ने इन्हें नाबूद किया वो हमारी मिसाइलों से बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये इलाही करिश्मा और गैबी इमदाद थी, ऐसी ताकत के जिसे वो किसी कीमत पर देखने को तैयार नहीं और उससे दुश्मनी करते हैं। वो लोग आखिरी वक्तों में हम पर एटम बम इस्तेमाल करना चाहते थे लेकिन हमारे मिसाइलों ने उन्हें मौका ही ना दिया। उनके मिसाइल इन्हीं के जहाज में फट गए थे, उनको उन्हीं की लगाई हुई आग में जला डाला और ये वही सब कुछ हुआ है जिसका अल्लाह ने अपने बंदों से वादा किया है। अमरीकी हुकूमत कभी भी लबैक या हुसैन का मतलब नहीं समझ पाएगी। ऐसी मिल्लत जिसके पास आशूरा हो ना सिर्फ जुल्म को कबूल नहीं करती बल्कि हम दुनिया में जहां भी जुल्म होगा वहां मजलूम की मदद के लिए पहुंचेंगे। ऐ काश शहीद तेरानी मुकदम जिंदा होते और इस दिन को देखते जब इनके हाथ से बनी हुई चीज किसी तरह से है हाथ में जिल्लत अगर रोशन मफहूम बयान कर रही है। और अभी तो जंग का आगाज हुआ है।